हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर एक हाइपोथायराइड के पेशेंट या थायराइड पेशेंट आप हैं तो, क्योंकि इसके अंदर जो आप वेट लूज करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप अपने थायराइड को हेल्दीली रिवर्स करना चाहते हैं तो भी, ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो को सेम थंबनेल के साथ आप देख सकते हैं पार्ट वन में, और आज मैं पार्ट टू में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि प्रोटीन को कैसे ऐड करना है, किस तरीके से सही प्रोटीन आपको मिलेगा जो कि आपके वेट लॉस में भी सपोर्ट करेगा और आपके थायराइड को रिवर्स करने में भी सपोर्ट करेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एडवांस स्टडीज। अगर आप किसी भी डाइटिशियन से या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अगर आप न्यूट्रिशन प्लान बनवा रहे हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वो आपको सही प्लान दे रही है या फिर आपको गलत प्लान दे रही है, क्योंकि वेट तो लूज हो जाता है, आप में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। थायराइड भी थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाता है, लेकिन अगर वो दोनों चीजें बाउंस बैक करके वापस आती हैं तो आपने कुछ भी हेल्दी फॉलो नहीं किया है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आपने लिए न्यूट्रिशन प्लान बनवाए हैं, या फिर अगर आप खुद से भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है तो आप लोग जानते हैं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, हाई प्रोटीन डिनर रेसिपीज, हाई प्रोटीन लंच रेसिपीज आप लोगों को मिलती हैं। अब वो कितनी सही है वो आज आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं हम प्रोटीन के बारे में कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेरियंस के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपने ऐसी बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी जो हाई इन प्रोटीन के नाम से आपको देखी जाती हैं या देखते हैं आप, जिसमें छोले का सैलेड, राजमा का सैलेड, या फिर काले वाले चने जो ब्लैक ग्राम होते हैं उनका सैलेड, इस तरीके से आपको बहुत सारे सैलेड की रेसिपीज या फिर इनसे बने हुए चीला की रेसिपी या फिर इनकी दालों के सैलेड की रेसिपी आपने देखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब तक आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का पूरा मॉलिक्यूल नहीं जाता है तब तक आप उसको प्रोटीन रिच डाइट तो कह ही नहीं सकते, वो प्रोटीन भी नहीं है पूरा, क्योंकि प्रोटीन एक अमीनो एसिड की पूरी चेन होती है, जिसके चेन के पूरे मिलने से उसका एक मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन का, और अगर वो चेन इनकम्प्लीट है, वेजिटेरियन के लिए बता रही हूँ, तो वो आपको पूरा नहीं मिला, मिलेगा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको मिलेगा, कैसे वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप छोला, राजमा, दालें या ऐसा कोई भी अनाज आप अपने वेजिटेरियन से आप प्रोटीन को ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपको उसके साथ जो है पूरे अमीनो एसिड की चेन को कंप्लीट करने के लिए आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, जो कि होता है या तो राइस या तो चपाती। अगर आप अपने दाल के साथ, छोले के साथ, राजमा के साथ, काले चने के साथ अगर आप चपाती या चावल ऐड करते हैं तभी आपको फुल प्रोटीन आपको मिलता है, लेकिन आप उसको तरीके से ऐड नहीं करते हैं, वो भी आप गलत तरीके से ऐड करते हैं। तो अगर आपकी प्लेटिंग की मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपका एक कटोरी अगर आपने चना लिया है तो आधी कटोरी आपके राइस होने चाहिए, यानी कि आपका दाल ज़्यादा और चावल कम, इंडियन के हिसाब से नहीं चलना है यहाँ पे, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा। अगर आप चावल ज़्यादा ले रहे हैं और दाल कम ले रहे हैं, प्रोटीन कंप्लीट नहीं होगा या वो हेल्दी वे नहीं है, उससे आपका मोटापा बढ़ेगा। आपको क्या करना है, एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल और आधी कटोरी चावल लेना है साथ साथ। अगर आपको सैलेड है तो वो तो आपको 100% इंक्लूड करना है, सैलेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो भी आपके रीजन में सैलेड मिलता है उसको आप उसमें इंक्लूड कीजिए, साथ में कुक्ड वेजिटेबल को भी इंक्लूड कीजिए। तो ये जो आपकी पूरी प्लेटिंग होती है ये आपका बहुत अच्छा मील बनता है, जिससे आपका वेट भी लूज होता है और आपके थायराइड को सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप चीला वगैरह खाना चाहते हैं तो नो डाउट आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन का चीला बनाते हैं तो उसमें एक चम्मच सूजी जरूर डालिए, तभी वो अमीनो एसिड की चेन कंप्लीट होगी, उसको आप बोलेंगे हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज या हाई प्रोटीन डिनर रेसिपीज। तो ये मैंने बात करी, जो आप वेजिटेरियन हैं तो आपको किस तरीके से प्रोटीन को ऐड करना है अपने वेट लॉस सपोर्ट के लिए भी और अपने थायराइड सपोर्ट के लिए भी। अब बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन की। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं,
तो डेयरी प्रोडक्ट में डेफिनेटली अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपको दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपको नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं हैं, सॉरी अगर आप हैं तो आप दही और छाछ ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज नहीं लैक्टोबैसिली होता है, जो कि आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्प्रूव करता है। तो आप कटोरी में जो अच्छा एक कटोरी दही होता है उसको आप अपने डाइट के अंदर मतलब 150 ml या 200 ml तक दही आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, वो भी प्रोटीन का एक पूरा सोर्स होता है। तो उसमें आपको दाल चावल की तरफ भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और नॉन वेजिटेरियन की तरफ भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक अच्छा बोल होममेड कर्ड आप ले सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद जो आपके ग्रीक योगर्ट्स होते हैं वो भी हाई इन प्रोटीन होते हैं, तो वो भी आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फेटा चीज़, टोफू की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तो टोफू आपके लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट के अंदर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, उनके लिए पनीर लीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप पनीर को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो पनीर आप जितना भी आपका वेट है, क्योंकि ये कस्टमाइज डाइट प्लान्स अलग बनते हैं, तो जो भी हमारा वेट होता है, जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड करेंगे, उसके वेट के अकॉर्डिंग सॉरी ऐड करेंगे। तो प्रोटीन में आप पनीर को आप टोस्ट करके सैलेड की फॉर्म में या फिर फ्राई और तवा टोस्ट ये सब आप ऐड कर सकते हैं। इससे भी आपको कंप्लीट अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन की फॉर्म में मिलती है। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो जानते हैं कि हाई इन प्रोटीन होता है नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उसके अंदर जो एग्स होते हैं, खासकर जो एग वाइट होता है, वो लीन प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर एग वाइट या फिर होल एग भी, मैं तो कहूंगी आप होल एग ऐड कीजिए, क्योंकि एक थायराइड पेशेंट को जो पीली वाली गोली होती है उसको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ना ही आपका उससे बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, बल्कि उसके अंदर सिलेनियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, आयोडीन भी होता है, और मेरे हिसाब से विटामिन सी को छोड़कर एक होल एग जो होता है पूरा मल्टीविटामिन होता है, एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि थायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर लीन प्रोटीन भी है और सारी चीज़ें उसके अंदर ओमेगा 3 फैट्स बहुत मतलब सब कुछ है उसके अंदर, आप उसको ले सकते हैं। तो अगर आप 2 एग्स अपनी डाइट के अंदर बॉइल्ड एग अपनी डाइट में ऐड करते हैं या फिर वेजिटेबल एग ऑमलेट अपनी डाइट में ऐड करते हैं, बहुत अच्छा होता है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो चिकन ब्रेस्ट जो होती है वो भी लीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। फिशेस, टर्की, सालमन, ये सारी फिशेस बहुत अच्छी होती हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और यही आज आप लोगों के साथ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि प्रोटीन की को किस तरीके से इंक्लूड करना चाहिए और कौन कौन से प्रोटीन सोर्स हैं जो आप एज अ हाइपोथायराइड पेशेंट या थायराइड पेशेंट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं हाइपर थायराइड पेशेंट जिन लोगों जो लोग बहुत पतले हो जाते हैं उन लोगों को जो सी फूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आयोडीन में थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो सी फूड ना लें, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा बढ़ेगा आपकी बॉडी में तो आपके हाइपर थायराइड की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इस तरीके से ये वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप आप लोगों को शायद ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा मेरे को थोड़ा खांसी है तो मैं थोड़ा ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी मैंने इस वीडियो में दी है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए लोगों के साथ और वेट कीजिए मेरी सीरीज पार्ट 3 का। शायद कल फिर से मैं रिलीज हो कर दूँ उस वीडियो को और आप लोगों को और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो मैं हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए लेकर आती हूँ वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।